गुड मॉर्निंग क्लास. सो सी एग्जाम्पल नंबर एट. एग्जाम्पल नंबर एट में आपको क्या बोल रहा है, शो दैट द सेट. एक सेट दे रखा है क्यू रूट टू. इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं वो बोल रहा है, ए प्लस बी रूट टू टाइप्स एलिमेंट आएंगे. इस हिसाब के एलिमेंट्स आएंगे वेयर ए और बी क्या हो सकते हैं, कुछ भी रैशनल नंबर हो सकते हैं. तो वो बोल रहा है इस सेट को वैक्टर स्पेस प्रूफ कर दो. किस पे, क्यू पे. क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर. यहाँ पे किसका काम कर रही है, फिर फील्ड का. विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन, मतलब आपको फिर से दो रूल दे रखे हैं उसने. वैक्टर एडिशन का भी रूल दे रखा है और स्केलर मल्टीप्लीकेशन का भी रूल दे रखा है. वो क्या बोल रहा है, वेक्टर एडिशन मतलब अगर आपने कोई दो वेक्टर्स उठाए हैं क्यू रूट टू में से, मतलब दो एलिमेंट्स उठाए हैं, एक एलिमेंट उठाया है ए प्लस बी रूट टू और दूसरा उठाया है सी प्लस डी रूट टू, तो उनका एडिशन कैसे करना है आपने, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट टू, मतलब रूट टू वाली जो है वो कॉमन रूट टू निकाल के आपस में प्लस हो जाएंगे और ये जो एलिमेंट्स हैं ए और सी वो आपस में ऐड हो जाएंगे. ये हो गया वेक्टर एडिशन. नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, मतलब किसी भी एलिमेंट को जो मैंने वेक्टर स्पेस मतलब क्यू रूट टू से उठाया है ए प्लस बी रूट टू टाइप का, इसको अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर कहां से उठाते हो, फील्ड से, मतलब क्या उसे, मतलब किसी ए प्लस बी रूट टू एलिमेंट को किसी अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो कैसे हो रहा है, अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा इंटू बीटा रूट टू. वेयर ये जो ए बी सी डी अल्फा सब रैशनल नंबर में से आ रहे हैं ना, क्योंकि ये जो ए प्लस बी रूट टू है आपने कहां से उठाया, क्यू रूट टू में से, क्यू रूट टू में से कोई भी एलिमेंट इस टाइप का होता है और ये जो ए और बी होता है हमेशा कहां से होता है, रैशनल नंबर में से होते हैं. और जो आपने स्केल उठाया वो भी फील्ड कौन सी है, रैशनल नंबर, तो वहीं से उठाया. तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है. अब मुझे उसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मैं चेक करती हूँ इंटरनल बाइंड्री ऑपरेशन. इंटरनल बाइंड्री ऑपरेशन मतलब कि अगर मैं कोई दो एलिमेंट किस में से उठाऊंगी, क्यू रूट टू में से, है ना, वी का, वी का काम कौन कर रहा है, क्यू रूट टू कर रहा है और फील्ड का काम कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है. तो कोई दो एलिमेंट्स मैंने क्यू रूट टू से उठा लिए, यू वन यू टू, तो यू वन किस टाइप का लिखा जाएगा, कुछ ए प्लस बी रूट टू टाइप का, और यू टू क्या लिखा जाएगा, कुछ सी प्लस डी रूट टू टाइप का. ये दोनों कहां से उठाए हैं, क्यू रूट टू में से, तो वेयर ए बी सी डी ये सब क्या होंगे, रैशनल नंबर, है ना, डिफाइन ही था. उसके बाद मैं यू वन प्लस यू टू करके देख रही हूँ, क्या अगर मैंने दो एलिमेंट्स क्यू रूट टू से उठाया तो उनका एडिशन भी क्यू रूट टू में जाएगा. तो मैंने यू वन प्लस यू टू जब करके देखा तो यू वन प्लस यू टू कैसे होगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट टू. अब ये भी तो एक क्यू रूट टू का एलिमेंट ही तो बन गया ना, क्योंकि ए और सी दोनों रैशनल नंबर थे तो उनका एडिशन भी एक रैशनल नंबर आएगा. सिमिलरली बी और डी भी रैशनल नंबर थे तो उनका एडिशन भी रैशनल नंबर आएगा. और ये कुछ किस टाइप का लिखा गया, समथिंग प्लस समथिंग रूट टू, तो और ये दोनों क्या है, रैशनल नंबर, तो पूरा किस में चला गया, क्यू रूट टू में, और यूनिक भी होगा. तो इंटरनल बाइंड्री ऑपरेशन कर दिया सेटिस्फाई. सिमिलरली एक्सटर्नल बाइंड्री ऑपरेशन मतलब मैंने एक एलिमेंट उठाया है वी से, मतलब कि क्यू रूट टू से, जो कि यू वन है, विच इज ए प्लस बी रूट टू टाइप का, और एक एलिमेंट उठाया है क्यू से, अल्फा स्केलर. तो मैं क्या चेक करूंगी, क्या अल्फा इंटू यू वन करके भी जो एलिमेंट आता है वो क्यू रूट टू में ही जाएगा. तो अल्फा इंटू यू वन करा तो अल्फा इंटू यू वन क्या है, ए प्लस बी रूट टू. मल्टीप्लाई कैसे होना है रूल के हिसाब से, अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा इंटू बी, अल्फा इंटू बी रूट टू. अब देखो क्योंकि अल्फा भी स्केलर है ए भी स्केलर, तो सॉरी अल्फा भी रैशनल है और ए भी रैशनल है, तो रैशनल को किसी रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनल है. सिमिलरली अल्फा और बीटा ये दोनों रैशनल थे, अल्फा भी रैशनल है और क्योंकि यू वन ए प्लस बी रूट टू और ए और बी क्या है दोनों रैशनल है, तो अल्फा इंटू बीटा भी रैशनल आएगा. तो ये भी कुछ समथिंग क्या बनेगी, समथिंग प्लस समथिंग इंटू रूट टू, दोनों रैशनल भी हैं, तो ये भी किसमें चला गया, क्यू रूट टू में, और यूनिक भी होगा, तो एक्सटर्नल बाइंड्री ऑपरेशन भी सेटिस्फाई करेगा. नेक्स्ट अब हमें क्या शो करना है कि क्यू रूट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बन जाए, बी लीन. तो ये भी बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले एसोसिएटिव चेक करेंगे. एसोसिएटिव कैसे चेक करेंगे, कोई तीन एलिमेंट्स ले ली, यू वन यू टू यू थ्री, कहां से, क्यू रूट टू में से, यू वन ए प्लस बी रूट टू, वेयर ए और बी क्या होंगे, रैशनल नंबर, यू टू सी प्लस डी रूट टू, वेयर अगेन सी डी रैशनल नंबर होने चाहिए, यू थ्री ई प्लस एफ रूट टू, वेयर ई और एफ अगेन रैशनल नंबर में से. तो एसोसिएटिव में आप क्या चेक करते हैं कि यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री खरीद लो, या फिर यू वन प्लस यू टू करके फिर यू थ्री एड कर लो, सेम आने चाहिए. तो पहले मैं ये लेफ्ट साइड निकाल रही हूँ, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, तो यू वन तो एज इट इज ए प्लस बी रूट टू प्लस बड़ा ब्रैकेट बनाया, इन दोनों में किसको एड करना, मुझे यू टू प्लस यू थ्री, यू टू क्या है सी प्लस डी रूट टू प्लस यू थ्री क्या है ई प्लस एफ रूट टू, और फिर किन्हीं भी दो एलिमेंट को क्यू रूट टू के कैसे एड करना है, सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ रूट टू. फिर देखो ये भी एक क्यू रूट टू का एलिमेंट बन गया है ना, समथिंग प्लस समथिंग रूट टू, और यहाँ पे भी ए प्लस बी रूट टू, तो इनको कैसे ऐड करेंगे, फिर ए प्लस सी प्लस सी प्लस ये रूट टू कॉमन, बी प्लस डी प्लस एफ, क्लियर है ये. सिमिलरली इसकी राइट साइड निकालती हूँ, जो कि क्या कह रहा है कि यू वन प्लस यू टू करके फिर यू थ्री में ऐड कर लो, तो सेम बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगी, यू वन मतलब ए प्लस बी रूट टू प्लस सी प्लस डी रूट टू, फिर प्लस यू थ्री मतलब ई प्लस एफ रूट टू, फिर इनको ऐड करो, ये कैसे बन जाएंगे, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट टू बड़ा ब्रैकेट प्लस में ये साइड में ई प्लस एफ रूट टू, फिर से इन दो एलिमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे, ए प्लस सी प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस एफ रूट टू, तो ये सेम ही आगे, यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री या फिर यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री, तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया. नेक्स्ट क्या शो करेंगे, कॉम्यूटेटिव, अगर मैंने कोई दो एलिमेंट फिर से यू वन यू टू क्यू रूट टू
उठाए हैं, तो यू वन प्लस यू टू कर लो या यू टू प्लस यू वन कर लो सेम आएगा। तो यू वन प्लस यू टू मतलब ए प्लस बी रूट टू प्लस सी प्लस डी रूट टू। तो ये कैसे ऐड होंगे, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट टू। अब क्योंकि अंदर वाले ए और प्लस सी ये दोनों कैसे हैं, रैशनल नंबर है ना, तो रैशनल नंबर तो कॉम्यूटेटिव होते हैं, मतलब ए प्लस सी कर लो या सी प्लस ए कर लो सेम रहेगा, तो ए प्लस सी को सी प्लस ए लिख लिया। सिमिलरली बी प्लस डी ये भी तो रैशनल नंबर है ना, बी और डी दोनों, तो बी प्लस डी कर लो या डी प्लस बी कर लो सेम रहेगा, तो इनको ऐसे लिख लिया। उसके बाद मैंने इनको स्प्लिट कर लिया, मैं क्या लिख सकती हूँ, सी प्लस डी रूट टू और प्लस इधर क्या लिख सकती हूँ, ए प्लस बी रूट टू। वेयर ये सी प्लस डी रूट टू क्या मिल गया, यू टू प्लस ये क्या मिल गया, ए प्लस बी रूट टू यू वन, मतलब यू वन प्लस यू टू कर लो या यू टू प्लस यू वन कर लो, वो क्या आ गए सेम। नेक्स्ट एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी एक्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली करती है क्यू रूट टू में, क्योंकि क्यू रूट टू में क्या आइडेंटिटी है, जीरो। ये इसको जो हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, ऐसे आइडेंटिटी को हम इसको जीरो को हाईलाइट करके लिख देना ऐसे, ठीक है। तो ये यहां पर आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है, क्यू रूट टू में जीरो प्लस जीरो रूट टू, वेयर जीरो भी क्या एक रैशनल नंबर और ये जीरो भी क्या एक रैशनल नंबर। और ऑब्वियसली अगर आप ये जो जीरो प्लस जीरो रूट टू किसी भी यू वन क्यू रूट टू में से उठाएंगे, मतलब अगर यू वन मान लो ए प्लस बी रूट टू है, उसमें अगर ये जीरो प्लस जीरो रूट टू जोड़ दोगे तो फिर से क्या आएगा, ए प्लस बी रूट टू तो आ जाएगा ना, मतलब कोई भी यू वन आपने क्यू रूट टू से उठाया है इसमें ये जीरो एलिमेंट जोड़ेंगे तो यू वन प्लस जीरो क्या मिल जाएगा, वापस से जीरो प्लस यू वन या फिर यू वन ही मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, किसी भी यू वन के लिए जो कि मैंने कहां से उठाया, क्यू रूट टू से, मतलब ए प्लस बी रूट टू टाइप के लिए, उसके लिए क्या एक्जिस्ट कर रहा है, एक माइनस यू वन एलिमेंट एक्जिस्ट कर रहा है क्यू रूट टू में से, जो कि कैसा है, माइनस ए माइनस बी रूट टू टाइप्स का, सच दैट यू वन में अगर माइनस यू वन जोड़ोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जीरो। एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो गया, मतलब क्यू रूट टू एडिशन के सेकंड क्या बन गया, एबेलियन ग्रुप। लास्ट है वो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्या होती है कि अगर आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, दो वेक्टर्स के एडिशन से, मतलब अल्फा उठा रहे फील्ड क्यू से और यू वन यू टू उठा रहे हो वी से, मतलब क्यू रूट टू से, तो अल्फा इंटू यू वन प्लस यू टू क्या मिलेगा, अल्फा इंटू यू वन क्या है, ए प्लस बी रूट टू प्लस यू टू क्या है, सी प्लस डी रूट टू। ये कैसे एड होने हैं, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट टू। फिर अल्फा बाहर है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वो कैसे होगा, अल्फा मल्टीप्लाई पहले होगा ए प्लस सी से पूरे से, फिर प्लस अल्फा मल्टीप्लाई होगा बी प्लस डी रूट टू से, तो ये लेफ्ट साइड आ गई। सिमिलरली राइट साइड क्या करनी थी, ये किसके इक्वल दिखाना था, अल्फा इंटू यू वन प्लस अल्फा इंटू यू टू। तो अल्फा इंटू यू वन क्या है, ए प्लस बी रूट टू प्लस अल्फा इंटू यू टू क्या है, सी प्लस डी रूट टू। सबको मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद ये जो अल्फा ए प्लस अल्फा सी विदाउट रूट टू वाले को इकट्ठे लिख लेना, और जो विद रूट टू है उनको रूट टू के साथ ये अल्फा बी रूट टू प्लस अल्फा डी रूट टू लिख लूंगी, और इनमें से फिर रूट टू और अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, अल्फा इंटू ए प्लस सी प्लस अल्फा इंटू बी प्लस डी इंटू रूट टू, ठीक है। और ये नोटिस करूंगी तो ये क्या बन गया है, जो अल्फा इंटू यू वन प्लस यू टू आया था वही तो अल्फा इंटू यू वन प्लस अल्फा यू टू आ गए, तो ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, कि अल्फा प्लस बीटा इंटू यू वन करूं या अल्फा यू वन प्लस बीटा यू वन करूं, वो सेम आएंगे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा वेयर क्या है, स्केलर्स हैं, मतलब रैशनल नंबर में से आ रहे, और यू वन किस में से उठाया, मैंने क्यू रूट टू में से उठाया है। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू यू वन, तो अल्फा प्लस बीटा तो स्केलर्स हो जाएंगे, एज इट इज रहेंगे, यू वन क्या है, ए प्लस बी रूट टू, फिर ये अल्फा प्लस बीटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू ए प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू बी रूट टू, फिर इनको खोल दो, क्या मिलेगा, अल्फा ए प्लस अल्फा बी रूट टू, ये अल्फा वाले को इकट्ठे लिख लिया, प्लस ये क्या है, बीटा ए प्लस बीटा बी रूट टू, फिर इनमें से अल्फा कॉमन निकालो, अंदर बचेगा ए प्लस बी रूट टू जो कि यू वन ही है, फिर से इनमें से बीटा कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा ए प्लस बी रूट टू जो कि यू वन है, तो अल्फा प्लस बीटा यू वन किसके इक्वल आ गया, अल्फा यू वन प्लस बीटा यू वन, बहुत सिंपल से है ये। लास्ट अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करना है यू वन से, तो अल्फा इंटू बीटा यू वन क्या है, ए प्लस बी रूट टू, फिर ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, स्केलर पूरा अल्फा बीटा ए प्लस बी रूट टू से, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा बीटा ए अल्फा बीटा रूट टू, फिर अल्फा बाहर रख लिया, अंदर क्या बदले गई मैं सिर्फ बीटा को, तो बीटा ए प्लस बीटा बी रूट टू, अल्फा कॉमन निकाल दिया, फिर से बीटा कॉमन निकाल दिया, अंदर ए प्लस बी रूट टू, तो ए प्लस बी रूट टू क्या मिल गया, यू वन, ये बीटा ए ब्रैकेट और ये अल्फा, तो ये क्या हो गया आपस में इक्वल। लास्ट होता है वन इंटू यू वन, तो वन क्या है, फील्ड रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वन को अगर किसी भी यू वन जो कि क्यू रूट टू से उठाओगे उसको मल्टीप्लाई करो, तो वन इंटू ए प्लस बी रूट टू क्या हो जाएगा, वन इंटू ए मतलब ए प्लस बी रूट टू जो कि यू वन ही है, तो मतलब कि वन इंटू यू वन भी किसके इक्वल आ गए, यू वन के, फॉर ऑल यू वन बिलोंग्स टू क्यू रूट टू। तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है, मतलब क्यू रूट टू क्या बन गया है, वेक्टर स्पेस ओवर क्यू। तो दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल जो मैं डिटेल करने वाली थी। अब जो इसके एग्जाम्पल्स बचे हैं, एग्जाम्पल नंबर सिक्स और सेवन थे, वो बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, जो कि हमने जैसे सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस का किया था एडिशन के रिस्पेक्ट में, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में हमने क्या बनाया था, उसको वेक्टर स्पेस बनाया था, बिल्कुल सेम वैसे एग्जाम्पल नंबर सिक्स सेवन है, नाइन टेन भी बहुत सिंपल से हैं। तो ये अब चार एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद करने हैं, कल का ऑफ भी है, तो थर्सडे तक आप सारे एग्जाम्पल्स कर लो हैंड रिटन अच्छे से, जिसमें डाउट है आप लोग मुझसे पूछ लेना, और थर्सडे को फिर हम एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट।